फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग घूमते फिरते आ गए थे डी मार्ट। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने आए थे, तो मम्मी को मैंने बोला कि चलो फिर हम लोग डी मार्ट घूम के आते हैं, तो ऐसे ही आए थे। तो देखिए, यहाँ पर दिशानी इंजॉय कर रही है और उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो झूला झूल रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ किचन के लिए सामान देख रही थी, तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो नीचे वाइट कलर के बहुत सारे बास्केट। तो ऐसा बास्केट मेरे पास बहुत सारे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से नहीं लिया था, पर मुझे एक बास्केट चाहिए था, इसमें से एक छोटा सा बास्केट, तो वही मैं ढूंढ रही थी। तो देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ के नीचे ही आप लोगों को दिख रहा है वाइट और ग्रे कलर में, एकदम नीचे ही नीचे। तो अभी मैं उसमें से एक लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ टोकरी वोकरी देख रही थी सब्जी वब्जी काट के उसको धोने के लिए। तो फिर देखिए, फिर मेरा नज़र गया इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए, मुझे वाइट कलर पसंद आ रहे थे, पर मम्मी ने मुझे फिर मना किया। मम्मी से मैं पूछ रही थी कि कौन सा लूँ, वाइट कलर लूँ या ये ग्रे कलर लूँ, तो मम्मी मुझे बोल रही थी ग्रे कलर ही ले, क्योंकि किचन के लिए वाइट फिर बहुत ज़्यादा गंदा होगा इसी वजह से। तो देखिए, यहाँ पर दिशानी भी आराम से बैठी हुई है, वो भी सब कुछ देख रही थी, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो वो नहीं बैठ रही थी इसके अंदर, पर फिर बाद में बैठ गई थी। तो यहाँ पर देखिए, दिशानी के पापा उसको लगा रहे हैं चश्मा, तो उसको ये वाला चश्मा मुझे पसंद नहीं आया था, उसके पास और भी है इसीलिए ये वाला रख दिया था। तो मम्मी यहाँ पर दिशानी के लिए फ्रॉक ढूंढ रही थी, तो यहाँ पे दो फ्रॉक मम्मी को पसंद आया था, तो इधर साइड से देखिए दो फ्रॉक ले लिया, और उसके पापा ने उसके लिए दो शॉर्ट्स ले लिया। तो मैंने ही बोला था, तो मुझे इस तरीके का शॉर्ट्स बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैं अपने आप में ले रही थी, वीडियो कर रही थी। तो डी मार्ट में है ना, वीडियो करना अलाउ नहीं था, फिर भी मैं कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, दिशानी के पापा दिशानी के लिए ये वाला डोल ख़रीदने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया, क्योंकि है ना, इस डोल को मैं रात को देखूँगी ना तो मैं खुद ही डर जाऊँगी, इसीलिए मुझे इस टाइप के डोल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे डर लगता है रात को इसके तरफ देखते से ही। तो दो चार मेरे पास भी है, आप लोगों ने तो देखा ही है घर पर, तो वो मैं रख के आई हूँ। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए थे, तो यहाँ पर दिशानी के लिए कुछ खिलौने विलोने देख रहे थे। फिर देखने के बाद मैं सामान लेके, कुछ सामान ले लिए थे हम लोगों ने, फिर हम लोग आ गए थे बाहर। तो अभी रात को बस घूम फिर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, पॉपकॉर्न आइसक्रीम ये सब कुछ था, तो यहाँ पर मैं खाऊंगी पॉपकॉर्न। तो पॉपकॉर्न तो मैं नहीं खाई थी फिर बाद में, और फिर मैंने खा लिया था आइसक्रीम। तो आइसक्रीम लिया था, मम्मी ने मना करा था, मम्मी को आइसक्रीम नहीं खाना था, क्योंकि ना उनको उनका गला ख़राब हो रहा था, तो इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा जुकाम लग रही थी। तो ये सब खा पी के हम लोग घर आ गए। तो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली घर पहुंच गए हैं, और हम लोग गए थे डी मार्ट और बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ नहीं पर छोटा बहुत सारी चीज़ें लिया है। अभी हम लोग आए हैं डी मार्ट से, और रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मैं आप लोगों को सामान दिखाने वाली हूँ, क्या क्या शॉपिंग करके लाए हैं। वैसे तो सारा शॉपिंग पहले ही हो चुका था, तो अभी कुछ कुछ सामान मैं लेके आई हूँ, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला लेके आई थी, ये देखो, इसके ऊपर मैं किचन में तेल का बोतल वो सब कुछ रखने वाली हूँ। तो ये रखो, इसके बाद लेके आई हूँ ये ब्रश कोलगेट, ये सब रखने के लिए। तो ये छोटे मोटे चीज़ें हम लोग ऐसे ही घूमने गए थे, तो लेके आए हैं। तो ये दो चीज, ऐसे दो कटोरी स्टील का लेके आए हैं, थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी रखने के लिए, तो दो लेके आए हैं, एक तो यूज भी करने लग गए, तो ये दूसरा पीस है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेके आए दो कटोरी बाउल, और एक पिंक है एक ग्रीन है, तो बहुत ही सुंदर है। देखिए, मुझे ऐसे कलरफुल बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये लेके आई हूँ दो, और यहाँ पे लेके आई हूँ एक कांच का बाउल, ये देखो, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो ये तीन पीस, तीन बाउल, चार बाउल लेके आई हूँ। और यहाँ पे ये देखो, दिशानी का खिलौना, ये खिलौना लेके आई हूँ दिशानी के लिए, तो अभी तो यही लेके आई हूँ, फिर बाद में उसके लिए देखूंगी। तो ये रहा,
बाउल के साथ में स्पून भी लेके आई थी, तो सेम कलर है, एक नहीं सेम तो नहीं है, हालांकि मैंने सेम देख के ही उठाया था पर सेम नहीं है। तो एक तो सेम है, दूसरा भी लमसम सेम है पर कलर सेम नहीं है। तो ये दो स्पून लेके आई थी और फिर यहाँ पे लेके आई थी निशानी के लिए फ्रॉक। तो ये देखो निशानी का फ्रॉक, इसके पीछे बटन है, तीन बटन है इसके पीछे, और यहाँ पे एक पॉकेट है। और ये देखो इसके सामने नेक पे बहुत ही अच्छा डिजाइन है। तो ये वाला फ्रॉक लेके आई थी, इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, और सबसे पहले तो इसका कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट था। तो ये ड्रेस लेके आई थी और एक ड्रेस लेके आई हूँ इसका, ये रखा। तो यहाँ पे देखिए इसका दूसरा ड्रेस, तो ये मम्मी का पसंद का ड्रेस है, दोनों ही मम्मी ने पसंद किया था। तो ये रेड व्हाइट में है, तो इसका कपड़ा तो इससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। और मुझे इसका स्लीव देखिए कितना ऐसे स्लीव्स हमेशा पसंद है। तो निशान के लिए ये दो ड्रेस लेके आई हूँ। तो उसके बहुत सारे ड्रेस तो वैसे भी है पर वो है ना मतलब चटक भटक, बहुत कम पहनना चाहती है, उसको सॉफ्ट कपड़े वाले ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोनों ही ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को इन दोनों से कौन सा अच्छा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे दो लाई थी मैं निशानी के लिए शॉर्ट्स। तो निशानी को तो आप लोगों ने देखा ही है, पहले भी वो ऐसे इस टाइप के शॉर्ट्स पहनती है, बॉय शॉर्ट्स। तो ये तो बॉयज के लिए होता है पर मैं निशानी को पहनाती हूँ, इसमें गर्ल्स बॉयज कुछ नहीं होता है, कम्फर्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो दो ही लेके आई थी, तो ये दोनों ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे, और मुझे ना ऐसे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आते, तो ये वैसे ही लेके आई थी दो। और यहाँ पर मैं लेके आई थी मेरे लिए घर पे पहनने के लिए ये टॉप, डेली यूज के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा मैंने सोचा, वो सॉफ्ट भी है और डेली इसको पहन के कामकाज घर का सारा काम कर सकती हूँ मैं। तो बस यही लेके आई थी, और हाँ और भी दो चार चीजें लेके आई थी, तो वो सब कुछ यूज करने लगे, लाइटर लेके आई थी और फिर जाके बाथरूम के चप्पल, ये सारी चीजें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है नया घर शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे बाथरूम के चप्पल और पता नहीं छोटे मोटे और भी कितने सारे सामान चाहिए। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इन तीन ये बाउल और इसकी तो मुझे जरूरत ही थी, और इसकी और ये तो लगे हाथ लेके आ गई। तो फ्रेंड्स अभी रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।